हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोडल्स हैज टू हैव टू विल हैव टू एंड हैड टू. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मोडल्स वेयर वी यूज हैज टू एंड वेयर वी यूज हैव टू. असी कितने यूज करते हैं हैज टू हैव टू? जब असी कहना होवे कोई काम सानू हुण करना पैंदा है, मजबूरी विच करना पैंदा है, भावें असी उह चाहुंदे ना होईए, उत्थे असी की यूज करते हैं हैज टू जां हैव टू यूज कर लैंदे हां कि हुण कोई काम करना पैंदा. It is used to express some compulsion. कोई compulsion होवे कि ये काम सानू करना ही पैना है. Obligation कोई जिम्मेवारी जां necessity जरूरत. In the present or future tense दे लिए असी will have to लगा लवांगे. We use have to with I, we, you and they. Have to किथे use करते हैं? जब first person होवे असी अपने बारे गल कर रहे हैं, जिवें I, मैं, we, असी, जां जिस दे नाल गल कर रहे हैं second person you. की यूज करते हैं have to. they की है third person plural है. जब third person plural होवे फिर भी ऐसे की है have to यूज करते हैं. I, we, you and they. इस दे नाल की यूज करते हैं सी have to के सानू यह काम करना पैंदा है. For example, I have to finish my work early. मैनू अपना काम जल्दी खत्म करना पैंदा है. क्लियर? जां मैं खत्म करना है जां खत्म करना पैंदा है की यूज करते हैं सी हैव टू जां हैज टू. वी यूज हैज टू विद ही शी और विद एनी वन पर्सनस नेम. ये की है ही शी और विद एनी वन पर्सनस नेम. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होवे तो असी हैज टू यूज करना. इन शॉर्ट विद थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज हैज टू. असी ये कह सकते हैं कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो की यूज करते हैं असी हैज टू. With other subjects, have to and after that, first form of verb is used. होर कोई भी subject है, उस दे नाल असी have to use करांगे, जिवें मैं तुहानूं पिछे ही दस्या है. Third person singular है जब, तां असी has to use करदे हां, अते बाकी किसे भी subject दे नाल की use करांगे have to. For example, the workman has to open the gate at 6 AM every day. के workman नूं, काम करन वाले नूं की है, हर रोज 6 बजे सुबह 6 बजे उसनूं की है गेट खोलना पैंदा है. क्लीयर? ये की है उसकी एक मजबूरी है कि उसनूं ये काम करना पैंदा है किसी ऑब्लीगेशन दे लई कंपल्शन दे लई. द वर्कमैन हैज टू. वर्कमैन की है हुण एक सिंगुलर सबजैक्ट है. सिंगुलर सबजैक्ट दे लई की यूज कर लैंदे आ हैज टू फर्स्ट फॉर्म. हैज टू तो बाद हैव टू तो बाद की यूज करदे आ फर्स्ट फॉर्म. एक गल का ध्यान रखो तुहाडे सेंटेंस विच जब जिहड़ी मेन वर्ब है कि उसनूं कम की करना पैंदा है मेन वर्ब है उसके सामने की है हमें जेकर टू लग्या होया है तो मेन वर्ब की आऊगी फर्स्ट फॉर्म आऊगी. क्लीयर? टू तो बाद की है सेंटेंस दे विच जो भी वर्ब आउंदी है टू तो बाद वो की है फर्स्ट फॉर्म ही हुंदी है सैकंड जां थर्ड नहीं हुंदी. द वर्कमैन हैज टू ओपन द गेट एट 6 AM एवरी डे. वी हैव टू वेक अप. हुण वी की है प्लूरल है तो असी की लगा लिया हैव टू. वी हैव टू वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग. सानू की है सुबह 5 बजे उठना पैंदा है. हुण इत्थे वेखो असी चाहे उठना ना चाहुंदे होईए उठना पैंदा है. जद असी ये कहीए कि कोई काम करना पैंदा है हैज टू जां हैव टू. जनरल इंग्लिश दे विच जद असी कोई गल करदे हां तां उस दे विच साडे लई बहुत ही इह लाभदायक सिद्ध हो सकदा है बड़ा यूजफुल है कि असी हैज टू अते हैव टू दा यूज कर सकदे. ओके, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज और हैव इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दे विच की है हैज जां हैव यूज कीता जांदा है सब्जेक्ट दे अग्गे यूज कीता जांदा है सब्जेक्ट तो पहला आ जांदा है. दैट टू एंड आफ्टर दैट टू. उस तो बाद के सब्जेक्ट तो बाद असी टू यूज करांगे एंड देन वर्ब फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. If any WH family word is given, जेकर WH family वाला कोई word आया तो आनू याद होना कि जब असी tenses वगैरह कीते सी पिछलियां videos दे विच उन्हां दे विच तो आनू मैं दस्या सी कि WH form की family की हुंदी है. इस दे लई डिटेल विच तुसी जानना है तां तुहानू पिछलियां videos देखनियां पैणगियां. If any WH family word is given that is used before has और है फिर वह की है हैज अते हैव तो भी सामने यूज किया जाता है उस तो भी पहला यूज किया जाता है इंटरोगेटिव दे विच.
वैसे तो तुहानू जिवें मैं दस्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट तो अगे आ जाता है हैज़ जां हैव। जेकर कोई डबल्यू एच फैमिली वाला वर्ड है तो वह की है हैज़ जां हैव तो भी अगे आ जाता है। क्लीयर वेयर हैज़ ही गो टू गो उसनू कित्थे जाना पवेगा ये कह सकते हैं कित्थे जाना पैंदा है वेयर हैज़ ही टू गो। जब इंटरोगेटिव बन गया तो हैज़ जां हैव जो भी तुसी लगा रहे हो वो सब्जेक्ट तो पहला आ जाएगा अते टू कित्थे आ जाएगा वर्ब फॉर्म तो अगे आ जाएगा। क्लीयर वट हैव आई टू डू बिफोर यू अराइव मैनू की करना पवेगा तुहाडे आउण तो पहला। वट हैव आई टू डू मैनू की कर जा मैं की करना है तुहाडे आउण तो पहला। वट हैव आई हैव कित्थे आ गया सब्जेक्ट तो पहला। वट हैव आई टू डू टू कित्थे आ गया वर्ब फॉर्म तो पहला। बिफोर यू अराइव तुहाडे आउण तो पहला मैं की करना है। विद होम है शी टू प्ले किस दे नाल विद होम की हुंदा है किस दे नाल है शी टू प्ले उसने किस दे नाल खेडना है जां उसने किस दे नाल उसनु की है खेडना पवेगा हुण खेडना पवेगा हुण दी गल कर रहे हां। क्लीयर विद होम किस दे नाल हैज कित्थे आ जाएगा सब्जेक्ट तो अगे। विद होम हैज शी टू प्ले उसनु किस दे नाल जां उसनु उसने किस दे नाल खेडना है। क्लीयर इस तरह असीं कह सकते हां कि उसने किस दे नाल खेडना है जां उसनु हुण किस दे नाल खेडना पवेगा। क्लीयर जब कोई काम मजबूरी विच करना पैंदा ना उदों असीं इह स्ट्रक्चर यूज करदे हां हैज टू जां हैव टू। व्हेन हैव वी नॉट टू प्ले असीं कदों नहीं खेडना है। क्लीयर ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਟ ਟੂ ਪਲੇ ਕਲੀਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਗ ਅ ਬਿਗ ਪਿਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਅ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰਨਾ ਡਿਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਟਣਾ। We have to dig a big pit, big pit, pit ki hunda koi toya putna, to plant a plant, ki bijan de layi sanu lagaun de layi, ek pauda lagaun de layi, pauda ek plant karan de layi. E plant ki hai, as a verb aya hoya, us te agge se ki lagata, to lagata, ate agge wala jo plant hai, as a noun aya. We have to dig a big pit, sanu ek vadda toya putna pehna hai, to plant a plant, ek pauda lagaun de. Okay, until when will you complete your work? Kab tak, until when, kab tak will you complete your work? A future wala ek sentence ithe hai. Until when, kab tak will you complete your work? Next sentence dekho. I cannot give you company to watch movie as I have to stay at home. I cannot give you company. Main tuhanu company nahi de sakda, vi main tuhade naal ki hai, nahi ja sakda. To watch movie, movie dekhan de layi, as I have to stay at home, kyunki mainu ghare rukna paina hai. Hun dekho, oh ki hai, apni koi majboori dass reha hai ki mainu eh kam karna paina hai. Jad koi kam karna painda hai, ta assi have to ja has to use kar lene haan. Subject sada I see, ta us de naal assi have to laga leya. You have to fill this form to open an account. Tuhanu ki hai, ek account khulwaun de layi, eh form fill karna paina hai, have to. They have to finish their work till 5 p.m. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ have to ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਪਲੂਰਲ ਸੀ। I have to pay my phone bill tomorrow ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ I have to pay my phone bill tomorrow. Clear? After that, I have to buy this bike. Mainu eh bike khareedni paini hai. Theek hai? Chahe oh na khareedni chahunda hove, jad is tarah keh rahe hai na ki mainu eh kam karna paina hai. Ta ki assi have to ka. Kuch negative sentences dekhde hain ki negative vich assi kis tarah keh sakde hain assi. You don't have to wait for me. Jad assi kahiye na ki tuhanu mera intezaar karan di zarurat nahi hai. नहीं करना पवेगा तुहानू मेरा इंतजार नहीं करना पवेगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी तुहानू मेरा इंतजार नहीं करना पवेगा डोंट लगा लिया सी। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू गो टू वर्क ऑन संडे की कह रहे हैं असी
कि रब का शुक्र है कि मैं ऐतवार को काम से नहीं जाना पैंदा, थैंक गॉड आई डोंट हैव टू, असं की लगा लवेंगे डोंट, आई डोंट हैव टू गो, क्लीयर। टू कितने आएगा, वर्क फॉर्म के बिल्कुल सामने आएगा, टू वर्क ऑन संडेज। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क सो ही डज नॉट हैव टू स्टे एट ऑफिस। उसने की है अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए उसनों की है अपने ऑफिस में हूँ नहीं रुकना पैंदा। डज नॉट हैव टू, क्लीयर। ही सब्जेक्ट सिंगुलर सी तो असी डज नॉट लगा लिया, हैव टू स्टे एट ऑफिस। नोट, यूज हैव टू इफ देयर इज डज और डज नॉट इन अ सेंटेंस। जेकर नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना, ठीक है, डज नॉट आ गया तो असं की लगावे, उस तो बाद हैव टू लगावे। हुण तुसीं इह कहोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर सी, असीं फिर भी हैव टू लगा रहे हैं, पर ज़्यादा हैज़ टू जां हैव टू वाला सेंटेंस नैगेटिव बन जाता है ना, डज नॉट लगा लें असीं तो उस तो अगे की है हैव टू ही लगावांगे। असीं हियर ही हैज़ टू वर्क, ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि उसनूं कम करना पैंदा है। नैगेटिव की कहोंगे असीं, ही डज नॉट हैव टू वर्क, जब डज नॉट लगा लिया तो की लगावांगे, हैव टू। उसनों की है ये, उसने ये काम नहीं करना है, जो उसनों हुण नहीं करना पवेगा, इस तरह असीं कहने आ ही डज नॉट हैव टू वर्क। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल हैव टू, कि असीं विल हैव टू कित्थे यूज करते हैं। इस तो पहला असीं की किया, हैज टू जां हैव टू, जब कोई काम सानूं हुण करना पैंदा है तो की यूज करते हैं, हैज टू जां हैव टू। सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू यूज कर लें। हुण असीं करते हैं गल विल हैव टू दी, कि आने वाले समय में कोई काम मजबूरी में करना पवेगा, विल हैव टू लगावांगे। When we want to say that someone has to do work in future time, then we use will have to. Clear? Future time which we come karna hoge. We use will have to with I, we, you, they, he, she, it. No matter subject is singular or plural. Yes, which is subject jahan singular hai, chahe plural hai, asi will have to hi use karan. Clear? For example, you will have to marry one day. Je asi kise nu kahiye ki tuhanu ek din vyah karwana hi pavega. आने वाले समय में फ्यूचर में असं कहने ना कि तुहानू यह काम करना ही पवेगा आने वाले समय में, तो असं की यूज करांगे विल हैव टू। यू विल हैव टू मैरी वन डे, क्लीयर। बिफोर मेकिंग एनी प्रोमिस आई विल हैव टू टॉक टू माई फादर। कोई भी वादा करने तो पहला मैं अपने पिता जी नाल गल करनी पवेगी, क्लीयर। जब असं यह गल कह रहे हैं कि कोई भी वादा करने तो पहला मैं अपने पिता जी नाल गल करनी पवेगी, आने वाले समय में गल करनी पवेगी, तो की लगा लवेंगे, विल हैव टू, आई विल हैव टू टॉक माई फादर। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट दैन यू हैव टू ईट लैस। जेकर तुसी अपना भार घट करना चाहते हो तो तुहानू की है घट खाना पवेगा, आने वाले समय में ही घट खाना पवेगा ना। असं किसी सुजैशन दे रहे हैं तो की करांगे असं, विल हैव टू यू। If you want to lose weight, then you will have to, with a will bhi laga lo, will have to eat less, ta tuhanu ki hai ghat khana pavega. I will have to see what I can do for you, mainu dekhna pavega. I will have to see, mainu dekhna pavega what I can do for you, ke main tuhade layi ki kar sakda ha. Hun itthe dekhna literally sidha dekhna hi nahi hai, itthe ki hai sochan di gal keh reha, ke mainu sochna pavega ke main tuhade layi ki kar sakda. Clear? I will have to see, ethe see da meaning ki hai sochna, I will have to see what I can do for you, ke main tuhade layi ki kar sakda. I will have to see if I am free on Sunday, mainu dekhna pavega ke main aitwar nu free haan ke nahi haan, aun wale samay di gal ho rahi hai. Have to ke mainu eh kam karna pavega, mainu dekhna pavega. Clear? See some negative sentences related to future. चलो relative ना sorry future ना संबंधित ऐसी कुछ negative sentences देख लेते हैं। If you get the bike financed through us, जेकर तुसी bike साढ़े तो finance करवाते हो, you will not have to pay any file charges. तां तो अनुकी है कोई भी file charges नहीं देने पड़ेंगे। Clear? If you get the bike financed through us, साढ़े तो जेकर bike तुसी बाइक दे ले की या फाइनेंस करवाते हो, यू विल नॉट विल दे नाल ही असीं नॉट लगा देंगे। क्लीयर? हैव टू पे, टू हमेशा वर्ब दे अगे होना चाहिए है, एनी फाइल चार्जेस। इफ यू स्टडी इन टाइम, यू विल नॉट हैव टू वरी नियर एग्जाम,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੜੋਗੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਇਫ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੀਚਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਹੀ ਰੀਚਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇਕਰ 9 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8:30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 9:15 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫੋਰ ਸਮ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜੋਏ ਆਫ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਮੇ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਆਈ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡੈਲੀ ਟੁਮਾਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਟ ਜਾਂ ਮੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਟੂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਦ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਟੂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਡ ਟੂ ਵਿਦ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਐਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕਲੀਨ ਮਾਈ ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੈਡ ਟੂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੈਲ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੋਪ ਮਾਈ ਕਾਰ ਐਟ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਰੈੱਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਨੇ ਆਰ ਈ ਦੀ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਵਾਕ ਮਾਈਲਸ MILES ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ MILES ਆਈ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਵਾਕ ਮਾਈਲਸ ਟੂ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਹੋਮ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਵਾਕ ਮਾਈਲਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਡ ਟੂ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵਾਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਟੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਕ ਓਕੇ ਸਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦ ਕਾਰ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹੋਮ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਾਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ
मीनिंग मैनू गैराज वगैरह ते नहीं जाना पिया, मकैनिक ने मेरी की है घरों ही कार पिकअप कर ली, घरों ही लै ली, क्लीयर। डिड नॉट हैव टू, क्लीयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड कितने यूज करते हैं, फिर असि सब्जेक्ट के अगे यूज कर लें इंटरोगेटिव सेंटेंस की गल। डिड यू नॉट हैव टू आस्क यूर पेरेंट्स बिफोर कमिंग टू द पार्टी, की तुहानू अपने पेरेंट्स नू नहीं पुछना पिया पार्टी ते आउण तो पहला। हैव टू की है पुछना पिया, पास्ट की गल है। डिड नॉट हैव टू, डिड यू नॉट हैव टू आस्क यूर पेरेंट्स बिफोर कमिंग टू द पार्टी। डिडंट यू हैव टू पे फाइन फॉर पार्किंग यूर कार इन द नो पार्किंग जोन, तुसी इस तरह भी यूज कर सकते हो नेगेटिव नू। डिडंट कितने लग सकता है, अगे सब्जेक्ट के अगे इस तरह भी आ सकता है। डिडंट यू हैव टू पे फाइन, की तुहानू फाइन नहीं पे करना पिया फॉर पार्किंग यूर कार, अपनी कार पार्क करने लई इन द नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग एरिया दे विच अपनी कार पार्किंग करने लई की तुहानू इंतजार नहीं करना पिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेयर वी यूज हैज टू, हैव टू, विल हैव टू एंड हैव। I hope they will be very helpful for you in speaking also and writing also. Thanks.